हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के कुछ फंक्शंस देखेंगे, कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑन किया जाता है ऑन बटन से, तो ऑन करेंगे। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट, उसके बाद एसी, तो ये हो जाएगा हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ। फिर ऑन करके देखती हूँ, कुछ एक और दो फंक्शंस बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो येलो वाले बटन से उसको हम शिफ्ट करके करेंगे, और जो रेड वाले हैं उसको हम अल्फ़ा क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम एक्सपोनेंशियल का पावर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले शिफ्ट, उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो है वो एलन के पास है, तो एलन। उसके बाद आपको जो पावर चाहिए ई के, वो सब आप कर सकते हैं। जैसे कि ई का पावर मैं यहाँ पर 10 कर रही हूँ, 10.5, तो उसका वैल्यू आ रहा है हमारा 36.31.5। तो ये था एक्सपोनेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये था एक्सपोनेंशियल का पावर। उम्मीद करते वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दे। और अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको सम टाइम्स डेसिमल वाले वैल्यू चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको डेसिमल, स्टैंडर्ड टू डेसिमल यहाँ पे SD लिखा है, उसको अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो स्टैंडर्ड टू डेसिमल हो जाएगा, राइट। अगर आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए तो आप उसको फिर से क्लिक कर सकते हैं, सबसे सिंपल। तो यहाँ पे देखो, क्लिक करते हैं, 7.833 आ रहा है। तो ये था स्टैंडर्ड टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं हम किसी नंबर को। तो अब देखेंगे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू जो रेडियन और डिग्री में हमको चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं साइन 30 डिग्री का निकाल रही हूँ। मैं क्यों डी बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर जो है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे डी है, तो इसका मतलब हमारा जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू आएंगे वो डिग्री में होंगे, राइट। तो अगर हमको क्वेश्चंस में रेडियन पूछ रहा है तो सबसे पहले हम शिफ्ट, उसके बाद मोड वाला बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो नंबर 4 पे रेडियन है, तो हम नंबर 4 करेंगे, और जैसे ही 4 क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो R आ रहा है, मतलब ये अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू सारे रेडियन में आने वाले हैं। तो वैसे ही हम फिर से साइन 30 का कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो डिग्री में ना आकर बल्कि रेडियन में आएगा। तो हमको समटाइम्स क्वेश्चंस आ सकते हैं रेडियन में ढूंढने के लिए या फिर डिग्री में, तो आप यहां से डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी कुछ सिंपल से ट्रिक्स जिसमें हम रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ और फंक्शंस लेके आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।